5 ट्रिलियन का सपना देख रही मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की रेटिंग को घटा दिया है। मूडीज ने भारत के बारे में अपने नजरिए को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया। तो मूडीज का कहना है कि पहले के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था में जोखिम बढ़ गया है और इसलिए रेटिंग घटाई गई है। इसके पहले अक्टूबर में ही मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.2% से घटाकर 5.8% कर दिया था। तो ये बड़ा झटका मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था को लेकर, जहां पर अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार बड़े बड़े बातें कर रही है, लेकिन इसी बीच जो मूडीज ने यहां पर सर्वे दिया है उसके मुताबिक ग्रोथ रेट, यहां पर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो घटा है। 2019-20 में 6.2 था, जो घटकर 5.8 हो गया है।